फिल्मों की अगर बात करें और गीतों की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से पुरानी फिल्मों की जो पट कथा होती है या कहें कि कहानी होती है और गीत और संगीत होता है उसके जैसा आज के समय में मिल पाना नामुमकिन है। पुराने गीतकार संगीतकार फिल्मकार उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं दिखाई हैं या गीत गाए हैं गीत लिखे हैं या संवाद हैं उन सभी को अगर आप देख लें तो आज भी वो एक बार में ही दिमाग के अंदर पूरी तरीके से एक एक वर्ड एक एक लाइन घूम जाती है। आज भी पुराने गीतों का जो खुमार है वो कम नहीं हुआ है। आने वाली जो जनरेशन जो गीत संगीत और जिस भी तरह का ये म्यूज़िक चल रहा है ये वो मायने रखता ही नहीं वो बात ही नहीं है उसके अंदर। और ऐसे ही पुराने गीतकार और संवाद लेखक की अगर हम बात करें तो उसमें एक नाम श्री मोती बीए जी का भी है। श्री मोती बीए जी ने 1942 से लेकर 1952 तक फिल्मों में गीतकार के रूप में कार्य किया। उन्होंने सिर्फ फिल्मों में गीत ही नहीं लिखे बल्कि कुछ फिल्मों के संवाद भी लिखे कुछ फिल्मों में गीत भी गाए और इतना ही नहीं उनके लिखे हुए गीतों के द्वारा कई नए आयाम भी बनते चले गए जो कि मिसाल हैं। आज हम आपके सामने श्री मोती बीए जी की फिल्मों से जुड़े हुए कुछ प्रसंगों को लाने जा रहे हैं जो कि समय के साथ विस्मृत होने के कगार पर है। मैं मोनिका राणा संपदा न्यूज के कार्यालय चंडीगढ़ से आज से जो मैं श्रृंखला प्रारंभ कर रही हूं उस श्रृंखला का नाम है सागर से सरजू तक। आज मैं आपके सामने गीतकार श्री मोती बीए जी की फिल्म साजन के संदर्भ में कुछ प्रसंगों को लेकर हाजिर हूं। फिल्म साजन 1947 के संदर्भ में पहले हम बता दें कि यह फिल्म स्वतंत्र भारत की पहली फिल्म थी। मायने रखती है ये बात हमारे स्वतंत्र भारत की पहली फिल्म। वैसे इसके अतिरिक्त चार और फिल्में प्रदर्शित हुई थीं। इस फिल्म में श्री मोती बीए जी के चार गीत रखे गए हैं जिनमें हम बंजारे संग हमारे धूम मचाले दुनिया और दूसरा गीत था हमको तुम्हारा ही आसरा, तीसरा गीत किसको सुनाऊं हाले दिल किसको दिखाऊं दर्द दिल तुझको ही बस पहचानती। अगर आप शब्दों पर ही ध्यान देंगे तो इतने खूबसूरत लगते हैं पढ़ने में तो सुनिए कि गीत कितने खूबसूरत लगते हैं सुनने में। मेरा मानना यह है कि पुराने गीतों की जो जगह है वो कोई ले ही नहीं सकता। इन्हें आप जब भी सुनेंगे तभी आपको नए लगेंगे। इनमें दूसरे और तीसरे नंबर का गीत फिल्म के कथानक को लेकर चलती है लेकिन इसके पहले हम बता दें कि इस गीत को गाने के लिए अशोक कुमार को तय किया गया था। एकाएक सांप्रदायिक माहौल बन जाने के कारण वक्त पर अशोक कुमार जी स्टूडियो नहीं पहुंच पाए और सारी व्यवस्था तैयार थी। उस समय मोहम्मद रफी ने इस गीत को लाने के लिए संगीतकार श्री रामचंद्र और गीतकार मोती बीए जी से अनुरोध किया। रफी साहब फिल्मस्तान लिमिटेड मुंबई के कार्यालय में आया करते थे और उस समय की ये सबसे बड़ी फिल्म कंपनी थी। श्री रामचंद्र ने श्री मोती बीए जी के कहने पर यह गीत मोहम्मद रफी साहब को गाने के लिए दिया।
गीत रिकॉर्ड हुआ दो भागों में, प्रथम भाग एकल और दूसरा भाग ड्यूएट के रूप में ललिता देवलकर के साथ। गीत ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की और इतना ही नहीं, डाउन मेलोडी लिखा गया है कि रफ़ी साहब ने बताया कि ये उनके जीवन के सबसे बेहतरीन गीतों में था, जिसने रातों रात उन्हें एक बड़े गायक के रूप में स्थापित कर दिया। वैसे इस गीत को सुनने के बाद अशोक कुमार जी ने कहा कि अब मुझे गाने की आवश्यकता नहीं, इंडस्ट्री को एक शानदार गायक मिल चुका है मोहम्मद रफ़ी के रूप में। और वाकई ये सत्य भी है, रफ़ी जी के जितने भी गीत हैं आज भी मानो दिमाग में गूंजते हैं। आज हम साजन फिल्म के प्रसंग में चर्चा कर रहे हैं, या मैं आपको उसके विषय में कुछ जानकारियां दे रही हूं। इस फिल्म के निर्देशक किशोर साहू जी थे। इस फिल्म में जो कलाकार हैं उनके नाम हैं अशोक कुमार, रेहाना जी, रंजीत कुमारी, रमेश गुप्ता, लीला मिश्रा। इस फिल्म में जो शेष गीत हैं उनके नाम हैं, अभी खाकर संभलने ना पाए, चोर आ गए नगरी हमार, संभल संभल कर जइयो वो बंजारे दिल्ली दूर है, ओ बाबू गली में चांद चमका, मैं हूँ जयपुर की बंजारन चंचल मेरा नाम, और ठंडी रेत में खजूर के तले। और इस फिल्म के गायक कलाकार हैं ललिता देवलकर, रफ़ी जी, गीता राय, जोहराबाई अम्बाले वाली। इस फिल्म में जो अन्य गीतकारों ने गीत लिखे हैं उनमें नाम हैं राम मूर्ति चतुर्वेदी और कमर जलाला बादी। ये फिल्म आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह भी तय है कि यह भारत के स्वतंत्र होने के बाद प्रदर्शित प्रथम फिल्मों की श्रेणी में इसका नाम है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही सफलतम फिल्म रही है। आज इसके कथानक को लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। संक्षेप में अगर मैं बात करूं तो फिल्म के नायक अशोक कुमार जी, जिनका नाम प्रकाश है, ब्रिटेन से 11 साल बाद अपने घर वापस आते समय ट्रेन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और साथ ही सहयात्री से अपनी पूरी दास्तान यह सुना चुके रहते हैं। अशोक कुमार जी की याददाश्त समाप्त हो जाती है और उनका साथी ये सोच करके कि प्रकाश मर चुका है उसके घर चला जाता है। प्रकाश के परिवार से विश्वास प्राप्त करने के बावजूद भी प्रकाश की पत्नी कमला का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाता है। कमल का रोल मशहूर अभिनेत्री रेहाना ने किया है। पारिवारिक उथल पुथल के कारण रेहाना अर्थात कमला घर छोड़कर बाहर चली जाती है और जिप्सियों के एक दल में शामिल हो जाती है। समय के साथ प्रकाश और कमला का पहचान होती है। इस पहचान में हमको तुम्हारा ही आसरा, तुम हमारे ना हो गीत का अहम योगदान होता है। पहचान के साथ ही प्रकाश की याददाश्त भी वापस आ जाती है। बिजली के रूप में अभिनय रंजीत कुमारी ने किया है। जिप्सी प्रमुख का अभिनय SL पुरी ने किया है। यह कहानी 1942 में प्रकाशित रैंडम हार्वेस्ट से प्रेरित मानी जाती है। इस फिल्म के बाद अशोक कुमार जी ने गाना बंद कर दिया था और उनके गाने का स्थान मोहम्मद रफ़ी जी ने ले लिया। आगामी भाग में हम श्री मोती बीए के अन्य फिल्मों के दास्तान को लेकर हाजिर होंगे। मेरा मानना यह है कि आप
इन फिल्मों की दास्तान जो हम आपके सामने आगे के भाग में लाने वाले हैं, उन्हें आप ज़रूर दिलो दिमाग के साथ सुनिएगा। आपको मन में आनंद भी महसूस होगा। तब तक के लिए मोनिका राणा को अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।